थोड़ा सा मैंने का पेस्ट देखे, मैंने फिंगर में बस लिए इसको ना, मैंने यहाँ पे बस हल्का सा बस एक टीके की तरह लगा दिया। भले ये देखें कितने अच्छे टेस्टी, ये देखें मोज़रेला चीज़, ये देखें कितनी ज़बरदस्त। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मसाला किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से चिकन के चाइनीज सी छोटे छोटे से समोसे, जी हाँ इतने छोटे भी नहीं है, मतलब मिनी समोसा रेसिपी। और ये बहुत मज़ेदार समोसा है, और इसकी स्पेशलिटी है कि इसको बना के ना बस हम 1 वीक या 10 डेज इसको फ्रिज कर सकते हैं। इसको 1 मंथ फ्रिज नहीं करना है, इसको इतना दिन जो है फ्रिज कर सकते हैं। और लेकिन ट्रस्ट में ये समोसे बहुत मज़ेदार और बहुत यूनिक फ्लेवर देने वाली ये रेसिपी है। तो चले फिर जल्दी जल्दी चीज़ी समोसे को जो है वो तैयार करते हैं। यहाँ पे स्टफिंग बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जो है बटर ले लिया है और उसको जो ऐड कर दिया। बस जी 1/2 टीस्पून लेना है और इससे ज़्यादा ना बटर ऐड नहीं करना है स्टफिंग में, क्योंकि मैं तो वैसे भी स्टफिंग में जो है चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा मतलब इसको ना हमें सौते करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको अभी बता दी। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड, 1 टीस्पून बटर और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, इन दोनों को ना मिक्स करके ऐड करना है। अकेले से बटर ऐड नहीं करना है। और उसको क्यों नहीं ऐड करना है, वो इसलिए नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने जो है इसमें करने हैं अनियन को सौते, और सिर्फ बटर ना फिर जलने लग जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको जो है ना मैंने यहाँ पे कर लिया था चॉप कट, और उसको ऐड करके ना बस मैं इसमें लाइट सा सौते करूँगी। इसको ज़्यादा नहीं करना है, इसको बस पिंक सा लाइट सा बस सॉफ्ट होने तक ऑनियन को मैं यहाँ पर कुक करूँगी। प्याज देखें सॉफ्ट हो चुकी है, सौते हो चुकी है। नाउ आई एम एडिंग 1 टी स्पून मैदा। जी हाँ, ये सिंपल वाला मैदा है जिससे हम केक बनाते हैं, पारे बनाते हैं, समोसा विंडो बनाते हैं और बहुत कुछ बनाते हैं, वही वाला मैदा है वो ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे 1/2 कप फ्रेश मिल्क। इसको मैदे के साथ साथ फौरन ऐड करना है और फ्लेम को ना बिल्कुल कंट्रोल पर स्लो रखना है। अब इन चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। हो गया यहाँ पे हमें एक परफेक्ट सी बाइंडिंग वाला जो है स्टफिंग चाहिए, जिसके लिए ना यहाँ पे इसमें मैदा ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले हो गया मैदा ऐड। अब मैं ना इसी में पहले मसाले ऐड, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि मैं इसमें चिकन पाउडर भी जो है ना वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना चिकन के मैदा, देखें इस वक्त ना गाढ़ी शक्ल में अब ये आ गया। तो 1 टीस्पून ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन पाउडर, और इसमें 1 टीस्पून मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि मैंने 3 ली थी जो बारीक काट ली, तो 1 टीस्पून ये बना है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, मैं लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपके पास नहीं, आपने फ्रेश लहसुन को ग्रेट करके ऐड कर देना, उसे मेक श्योर करें पाउडर ही ऐड करें। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद जीरे का पाउडर। देखा कितने मज़े मज़े के स्पाइसेस जो है हमारे स्टफिंग में जो है वो ऐड हो गए। सबको जो है बस लाइट से यहाँ पे मिक्स करना है। अभी देखें अच्छी से एक बाइंडिंग रेडी हो। टाइम आता है इसमें चिकन ऐड करने का, तो मैंने यहाँ पर एक चिकन का ना ब्रेस्ट पीस ले लिया था, और तकरीबन ये 1 पाव चिकन है जिसे मैंने बॉयल करके ना उसके रेशे रेशे करने, बॉयल सिंपल पानी में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बॉयल किया, इसके रेशे रेशे कर लिए। हीट को स्लो पे रखना है, फुल पे नहीं रखना है, और बस इसको डाल के चिकन को इतना करना है ना कि चिकन जो है सारी फिलिंग में अच्छी तरीके से कोट हो जाए, ताकि हमारे समोसों में ना इसकी अच्छी से स्टफिंग हो। बहुत मज़ेदार ये टेस्टी समोसे बनते हैं। इसको अच्छे से मैं कुक कर लेती हूँ। यहाँ पे स्टफिंग देखें बिल्कुल अच्छी सी रेडी हो चुकी है। इसकी बाइंडिंग चेक करें, कितनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे इसकी बाइंडिंग हुई है, ये चेक करें कितनी अच्छी सी स्टफिंग हमारे यहाँ पे रेडी हुई है। इसी स्टेज पे मैंने फ्लेम को ना ऑफ कर दिया। ये प्रोसेस आपको स्लो हीट पे करना है, फुल पे करेंगे ना तो सारे जो है ना वो जल जाएगा। अभी मैं इसको ठंडा होने देती हूँ, फिर हम बनाते हैं समोसे, और वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपसे अभी करती हूँ शेयर। समोसे की जो है स्टफिंग मैंने रेडी कर ली है और वो ठंडी हो गई है, उसको मैंने इस बाउल में निकाल लिया। अभी यहाँ पर मैंने समोसे की ना शीट्स ले ली है, ठीक है, ये देख रहे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके कि ना समोसे की जो है कुछ शीट है ना ऐसी होती है, और ये जो है आसानी के साथ किसी भी मार्ट में भी मिल जाती है, वो ब्रांडेड थोड़ी होती है। और अगर आपको मतलब चाहिए तो समोसे वगैरह की दुकान पे आ जाती है, हमारे यहाँ तो दूध वाले की दुकान पे ही मिलने लगती है, रमजानों के करीब मिलेंगे, अभी समोसों की दुकान में इजिली मिल जाएंगी। और इसको जो है देखें बिल्कुल मैंने सेंटर पर जो है ना नाइफ रखी है, और मैं एक खट्टे जो है सारी शीटों को जो है कट कर लूँगी। अगर आप एक खट्टे नहीं कर पा रहे हो तो आपने क्या करना है, एक एक करके कर लो, लेकिन मैं जो हूँ एक खट्टे सारी कर ले रही हूँ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ना एक दफ़ा नहीं करें, आप थोड़ी थोड़ी लेके शीट करनी है, एक एक करके करने। चले जी, यहाँ पे जो है सारी शीट्स जो है वो मेरी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको समोसे बनाती हूँ। इसका समोसा बनाने का भी सेम वही तरीका है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर समोसे का नाम बना के बता देती हूँ। चले, यहाँ पर जो है मैंने
एक पट्टी ले ली, शीट ले ली यहाँ पे। अच्छा, थोड़ी सी ना मैंने यहाँ पे बना लिया है मैदे का, मैंने पेस्ट बनाया, थोड़ा सा मैदे का पेस्ट देके मैंने फिंगर में बस लिया। इसको ना मैंने यहाँ पे बस हल्का सा बस एक टीके की तरह लगा दिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड किया है। ये देखें, इतनी जो है वही अंदाज़ा एक उंगली के जितना मैंने इसको बाहर निकाल के इस तरीके से लिया। ये मेरी समोसा बनाने की ट्रिक है जो कि मैंने दुपट्टे पे प्रैक्टिस कर करके बनानी सीखी है। आपने भी इसी तरीके से सीख ली क्योंकि मैंने आपसे अपना सीक्रेट जो है वो शेयर किया है। बहुत आसान चीज़ है, इसको टर्न करके अगेन बस यहाँ पे लाके रोक देना है। हमने इसमें मैदा लगा दिया ना तो ये खुलेगा नहीं, छोटा है ना इसलिए इसको थोड़ा लाट से करना है। हो गया, कोन आ गई, छोटी सी प्यारी सी हमारे पास कोन आ गई। अब बहुत केयरफुली हमने इसमें थोड़ी सी फिलिंग स्टफिंग ऐड करनी, थोड़ी सी करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि हमें तो मिनी समोसे बनाने। थोड़ी सी हमने इसमें स्टफिंग ऐड कर दी और यहाँ पे एक छोटा सा ना मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मोज़रेला, खोल लिया, साइडों पे लगा दिया। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करनी है क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं चिकन मिनी समोसा। इसको जो अंदर बैठा देंगे बैठ जाएगा अंदर, कोई मसला नहीं। थोड़ी सी ले लेंगे मोज़रेला चीज़, इससे ना बड़ी अच्छा फ्लेवर हमारे समोसों में आता है। अब इसको क्या करना है, इसको टर्न करना है और सेम प्रोसेस वही है, इस तरीके से इधर ले जाएं, फिर इस तरीके से इस कॉर्नर पे लाएं और इसको इस तरीके से कर लें। बस सेम वही सारा चीज़, सारी चीज़ें जो बड़े समोसे बनाते हैं, लेकिन ये छोटा है तो इसको केयरफुली करनी है थोड़ी और इसकी कोटिंग ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी। इस तरीके से काटना नहीं है शीट्स को, सिंपल। देखें कितने अच्छे परफेक्ट से हमारे मिनी समोसे जो है बन गए। इफ्तार पार्टी की तो ये समझे, ये पूरा स्टार्टर जो है ना पूरी जान ले जाएगा, इतना ज़बरदस्त किस्म का इफ्तार पार्टी में ये लगता है। ये बन गया, इसी तरीके से मैं सारे बनाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मेरे समोसे जो है वो बन चुके हैं और अब जो है मैं इसको करती हूँ फ्राई। उसके बाद जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको फ्राई करके। मज़ेदार से क्रंची से समोसे जो है वो तैयार हो चुके हैं। अभी जो है इनको प्लेट में निकाल के क्रंच चेक करें, कितनी ज़बरदस्त किस्म की क्रंच आ रही है। वाह जी वाह, बड़ी ज़बरदस्त शानदार था, मज़ेदार से टेस्टी से। यहाँ पे देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के करंची जो समोसे, मैं देख लूँ कोई गर्म है तो रहा नहीं हो, चले बहुत गर्म है, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितने अच्छे मज़ेदार से बने। ये देखें कितने अच्छे टेस्टी, ये देखें मोज़रेला चीज़, ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म के हमारे यहाँ पे समोसे बने हैं। ये बना के आप 1 वीक के लिए, 10 डेज़ के लिए इसको फ्रेश कर सकते हैं, उसके बाद बनाइए, बहुत लजीज समोसे बनते हैं। इसके साथ ही रेसिपी पसंद आए लाइक करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।